कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कभी भी अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करने से पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती। उन्हीं बीमारियों में से एक है बवासीर की बीमारी, जिसे अंग्रेजी में हेमराइज कहा जाता है। इसे पाइल्स या मुलायदि के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इसको खूनी और पादी बवासीर के नाम से जाना जाता है। कहीं पर उसे महेशी के नाम से जाना जाता है। यह मल स्थान पर होने वाली बीमारी है जो बेहद दर्दनाक बीमारियों की श्रेणी में आती है, क्योंकि यदि यह रोग किसी को हो जाए तो जल्दी उससे पीछा नहीं छूटता। डॉक्टर महान सिंह का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को वर्ष में कई बार बवासीर हो जाए और वह उसका सही इलाज ना कर रहा हो तो यह बीमारी मलाशय का कैंसर भी देती है। बवासीर को दो श्रेणियों में देखा जाता है, एक है खूनी बवासीर और दूसरा बादी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, केवल खून आता है। शुरुआत में यह केवल बाहर आने वाले मल पर लगकर आता है, लेकिन अधिक बिगड़ने पर मल स्थान से केवल खून ही निकलने लगता है। दूसरी ओर बादी बवासीर की बात करें तो यह अधिक कब्ज के कारण होता है। यह फिर हो जाने के बाद निरंतर कब्ज देने लगता है। इसके अलावा इससे पेट में गैस भी बनती है। सबसे पहले आप अपने दैनिक आहार में बदलाव लाएं। बवासीर से लड़ने में फाइबर युक्त आहार सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि यह पाचन क्रिया को सही करता है और मल के सख्त होने की आशंका को कम करता है। फाइबर युक्त आहार में साबुत अनाज, ताजे फल और हरी सब्जियां आती। आयुर्वेद में इस रोग का इलाज संभव है। अगर आप भी बवासीर के रोग से परेशान हैं, तो आज इस संपर्क करें कोहिनूर आयुर्वेदा डॉक्टर अमनदीप सिंह चिम्मा जी से। संपर्क करें 9915136138।